सोलहवा अध्याय दैवस्वर संप विभाग योग। मंगल भवन अमंगलहारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। मनुष्य दो प्रकार के, जिनका जग में वास, देव यहाँ पर एक हैं, असुर दूसरे खास। संपद देवी देव की, असुरी दूजी जान, दोनों का ही वर्णन है कीन भगवान। देवी संपद का करें बखान, सताईस गुण है उसमें जान। प्रथम गुण अभय को जानो, निर्भयता गुण विशेष मानो। सत्व शुद्धि देवी गुण खास, जग को देवों पर विश्वास। तीजा गुण ज्ञान का भाई, ज्ञान संग विज्ञान हो पाई। योग व्यवस्थिति ईश मिलाए, देव ईश्वर भक्त कहलाए। दान कारण जन देव कहाए, देव जगत को देते आए। जिसका तन मन वश में होए, दम से वह जन देव बन पाए। जीवन जिसका यज्ञ का रूप, मानव वह जन देव स्वरूप। स्वाध्याय से जन ईश पहचाने, दिव्य जीवन को वह नर जाने। देवों में हो तप प्रधान, बिन तपस्या देव न जान। देवों में गुण आर्जव होए, संशय करे ना उन पे कोय। तन मन से ना किसे दुखावे, वे सभी को सुख दे पावे। अहिंसा ही उनकी है रीत, सब जगत से उनकी प्रीत। बारहवां गुण सत्य है जान, इससे बड़ा ना धर्म पहचान। क्रोध न देवों के चित जान, शांत स्वभाव ही उनका मान। सर्व दोषों को त्यागना, माया को भी मीत। जिनका यह स्वभाव हो, देवी गुण वहां चीत। शांति पंद्रहवां गुण है, तन मन से रह शांत। सर्वत्र चाहे शांति, होए ना चित्त भ्रांत। अपैशुन गुण देवों में जान, निंदक नहीं वे किसी के मान। सब भूतों पर दया कर पावें,
तन मन से ना कहीं सतावें। लोलुपता अंश मात्र ना होए, मन में लालच आए ना कोए, मृदु स्वभाव उनका हो ऐसा, सर्व श्लाघा योग्य हो जैसा, उनमें हरि भी गुण जन देखें, लज्जाशील उन्हें उल्लेखें, सदा रहें गंभीर वे ऐसे, व्यर्थ की चेष्टा हो ना जैसे, यह गुण अचपलता कहलाए, देवी स्वभाव में देखी जाए, देव तेजस्वी जन कहावे, शक्ति उसकी प्रकट हो पावे, क्षमा उनका भूषण जानो, क्षमाशील देवों को मानो, विपत्तियों में भी ना घबरावें, धैर्य गुण को देव अपनावें, धृति विशेष गुण उनमें भाई, देवों में जो देखा जाई, बाहर भीतर से रहते शुद्ध, शौच गुण जो देव प्रबुद्ध, सबको मित्र अपना माने, द्रोह का तो नाम ना जाने, उन्हें मान की ना इच्छा भाई, निर्माण रहना उन्हें सुहाई, देवों का स्वभाव कहा, अब असुरों का जान, देव बने हम असुर ना, रखें सदैव ध्यान, आसुरी संपद हो जो भाई, सुनिए उसको अब चितलाई, गीता में है सभी बखाना, अवगुणों का एक खजाना, उससे बचकर जो जन चाले, प्रभु कृपा से मोक्ष को पाले, 15 आसुरी संपद जान, क्रमशः उसके नाम पहचान, असुरों का लो जीवन जान, कृतव्य आदि का ना हो ज्ञान, यह तो प्रथम दोष है भाई, सुनो दूजा भी चितलाई, दूजा दोष ना शौचाचार, शुद्धि अशुद्धि का नहीं विचार, तीजा दोष आचार का मीत, अच्छा बुरा एक समलें चीत, सत्य का गुण नहीं पहचाने, सत्य असत्य में फर्क ना जाने, इस प्रकार के दोष हो जिन नरन में मीत, मोक्ष किमी उनको मिले, अथवा स्वर्ग लोचित, असत्य में प्रतिष्ठा जिन जनन की मीत,
उनका असत्य आचार जीवन में लोचित, ईश्वर को नहीं माने कि जग विधाता सोए, कहें सृष्टि जो है दिखती नर नारिन से होए। उग्र कर्म वे करत हैं वैरी जग के मीत, नाश करें वे जगत का ऐसी उनकी रीत। कामनाओं से भरे रहें उनके जानो चित्त, हो कभी ना तृप्त वे कामनाएं जो मित। तन मन से अशुद्ध रहें जग में मेरे मीत, दंभ मान और मोह, दंभ मान और मोह रहें सदा उनचित। दंभ मान मदान्विता सदा रहत उनचित, विचरत वे संसार में जो असुर हैं मित। मैले उनके चित्त भी आसुरी उनके क्षत, सिद्धांत उनके मिथ्या लेश नहीं है सत। चिंताओं से ग्रस्त वे अंतकाल तक होए, असुर जानो वे जगत में संपद जिनकी सोए। कामोपभोग परम वे रहते कामासक्त, सुख इसी को मानते भोगों में अनुरक्त। आशा पाश शतैर बद्धा काम भोग की चाह, संग्रह करें अन्याय से पाप की ना परवाह। काम क्रोध परायण ऐसे असुर अनेक, दुखी करें वे जगत को बढ़ एक से एक। कृष्ण चंद्र भगवान ने बखान कीन स्वभाव, श्रवण करो अब वे भी असुरों के जो भाव। कहें मिला अभी इतना संतोष नहीं है तात, मेरी दृष्टि में बहुत कुछ आगे पाऊं भ्रात। हनन किया इस शत्रु का और हनूंगा मीत, मुझ में जो हैं खूबियां तुम्हें नहीं प्रतीत। मैं हूं ईश्वर जगत का, भोगूं मैं बहु भोग, सिद्धों का भी सिद्ध हूं यह जाने सब लोग।
बलशाली मैं हूँ धनी। मेरा कुल महान मिले न कोई जगत में, मेरे जो समान मोह जाल में ग्रस्त हो। करता इमी प्रलाप, करूं यज्ञ में दान करूं, सभी करूंगा आप। इस विद चित्त भ्रांत जना मोह के जाल ग्रस्त, गिरे नरक में जाय कर, कामी भोगी मस्त। इमी धन मान मदान्वित, नाम मात्र के यज्ञ अविधि पूर्वक वे करत हैं। आसुरी जन अल्पज्ञ, अहंकार बल दर्प में, काम क्रोध विलीन, भक्त न उनको जानिए, सभी वे भक्ति हीन। आत्म द्वेषी जानिए वे सभी नर नार, असुर ही बन पाएंगे वे जन बारंबार। हे अर्जुन तुम जान लो, तीन नरक के द्वार, काम क्रोध व लोभ को त्यागो हर प्रकार। तीन तामसी द्वार ये, इनसे होकर मुक्त परम गति को पात जन, हो योग में युक्त। शास्त्र विधिम उत सृज्य जो कामाचारी होए, सदगति नहीं पाए वह, अधम गति को गोए। क्या कर्म क्या अकर्म है, शास्त्र होए प्रमाण, चले शास्त्रानुसार जो, हो उसका कल्याण। शास्त्र शब्द पंडित सुन पाया, प्रभु जी को निज भाव बताया। शास्त्रोक्त जो कर्म कर पाए, और ना चित्त में श्रद्धा लाए, उस कर्म का फल क्या मीत, प्रश्न यह उपजा है मम चीत। प्रभु सुन कर पंडित की बात, कहा प्रश्न यह उत्तम तात। इस विषय को आगे देखें, गीता का मत वहां पर पेखें। इति श्रीमद्भगवद्गीता दिव्य योग शास्त्र का देवसुर संप द्विभाग योग नाम 16वां अध्याय। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम